अब विस्तार से खबरें, भोपाल से बड़ी खबर। आज भी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, कल बैठक में 60 से अधिक नाम तय हुए हैं। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस की लिस्ट आएगी। सीईसी के बाद प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां पर एक बैठक कल कांग्रेस केंद्रीय समिति की गई, जिसमें नामों पर चर्चा हुई। तो देखिए, इस बैठक में कमलनाथ मौजूद रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें चर्चा की गई, राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं और नामों पर चर्चा हुई। 60 से अधिक नाम तय हुए हैं। बताया जा रहा है नवरात्रि के पहले दिन लिस्ट कांग्रेस की जारी हो जाएगी। नवरात्रि का पहला दिन रहेगा, शुभ दिन रहेगा और शुभ दिन कांग्रेस लिस्ट जारी करने वाली है। क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष का आखिरी दिन, और उसके बाद फिर जब नवरात्रि शुरू होगी, बताया जा रहा है 15 तारीख को लिस्ट जारी हो जाएगी। हालांकि वो इंतजार करना होगा कि पहले दिन लिस्ट जारी होती है या नवरात्रि के बीच में कभी भी लिस्ट जारी की जाएगी। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, कल केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें 60 से अधिक नाम फिलहाल फाइनल कर लिए गए हैं। 60 नामों की लिस्ट जारी की जाएगी या फिर इससे ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है कांग्रेस, लिस्ट जारी कर सकती है, क्या जानकारी है? गौरव, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए, बैठक हुई है अभी तक। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से सीसी की और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है कल, उसमें 60 नए नामों के लेकर चर्चा की गई है और आज फिर सीसी की बैठक होनी है और उन 60 नामों पर हो सकता है कि आज बहुत लग जाए। बताना चाहूंगा, इससे पहले करीब 140 के आसपास जो नाम है वो तय हो चुके हैं और कुल मिलाकर अब तक 200 सीटों पर जो है गहन चिंतन किया जा चुका है। अब कहा जा रहा है कि जब नवरात्रि कल से शुरू होंगी और हो सकता है कि कल कांग्रेस की पहली सूची हमारे सामने आ जाए। इसमें कितने प्रत्याशी होंगे ये कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि अंदर खाने से ये बात सामने आ रही है कि करीब 150 के आसपास प्रत्याशियों की जो सूची है वो कल देखने को मिल सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पहली सूची हो सकता है कि 60 से 70 प्रत्याशियों की भी हो और उसके अगले दिन दूसरी सूची भी आए। फिलहाल ये कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन ये बात जरूर तय है कि अभी तक 200 प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा की जा चुकी है। आज जो बैठक होनी है उसमें नए जो 60 नाम है उसको लेकर चर्चा की जानी है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद फिर एक सीसी की बैठक होगी, जिसमें उन नामों पर मुहर लगाई जाएगी। अभी तक 140 नाम जो है वो लगभग तय हो गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो पहली सूची होगी उसमें भारी भरकम जो प्रत्याशी है उनके नाम हो सकते हैं। इस तरह की बातें भी की जा रही है कि पहले दिन नवरात्र के करीब 150 के आसपास प्रत्याशी सूची जारी कर सकती है कांग्रेस और करीब 70-80% नामों की जो सूची है वो आ सकती है। जिस तरीके का मैसेज कांग्रेस अपनी तरफ से एक तरीके से देना चाहती थी कि नवरात्र में ही वो अपनी सूची जारी करेगी, क्योंकि अभी तक पितृपक्ष चल रहे थे, पितृपक्ष में सूची जारी करने से इनकार कर दिया था कांग्रेस ने और ये कहा था कि जैसे ही नवरात्र शुरू होंगे और उसी दौरान उनकी जो सूची है वो सामने आएगी। अब आज फिर से सीईसी की बैठक होने जा रही है, आज कितने नामों को लेकर मुहर लगती है और कल कितने नाम सामने आते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बात साफ तौर पर है तय है कि एक भारी भरकम सूची कांग्रेस की। गौरव, लेकिन क्या जब ये बैठक हुई, बैठक के बाद ये फाइनल नहीं हो पाया कि आखिरकार कौन कौन मैदान में रहेगा, किस किस के नाम, चूंकि 60 नाम फाइनल हुए हैं, तो कौन कौन ऐसे विधायक रहेंगे या नेता रहेंगे जिनका नाम फाइनल किया गया है? देखिए, जो शुरू में बैठकें हुई थी उसमें जो 150 के आसपास जिन पर चर्चा की गई थी, जिनके नाम तय किए गए थे, उसके अतिरिक्त 7 सीटों पर कल चर्चा की गई है। अब ये जो 60 सीटें हैं ये ऐसी सीटें हैं जिस पर एक नहीं बल्कि कई सीटों पर तीन उम्मीदवार हैं, तो कई पर 4 उम्मीदवार हैं जो दावे कर रहे हैं सीट के लिए, टिकट के लिए। तो ऐसे में पार्टी के लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा है कि यहाँ पे किसको प्रत्याशी घोषित किया जाए, क्योंकि अगर प्रत्याशी घोषित हैं तो ऐसे में जो बचे हुए दावेदार हैं वो कहीं ना कहीं विरोध दिखा सकते हैं। तो ऐसे में एक बेहतर रणनीति के साथ इस समय जो कांग्रेस है वो अपने कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा कर रही है कि ताकि बिल्कुल और ये देखना होगा कि कल सूची जब जारी होती है तो कितने नाम उसमें फाइनल रहते हैं। बहुत शुक्रिया।